रानी चटर्जी भोजपुरी फिल्म इंडस्ट्री की एक ऐसी एक्ट्रेस हैं जिन्होंने अपनी जिंदगी में कई मुश्किलों का सामना करने के बाद भी इस इंडस्ट्री में अपनी एक खास पहचान बनाई और दर्शकों के दिलों पर राज करना शुरू कर दिया। वैसे तो रानी ने अभी तक माई के कर्ज, इच्छाधारी, शिव रक्षक जैसी सुपरहिट फिल्में की हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि कुछ समय पहले भोजपुरी की अभिनेत्री ने कहा था कि उनकी इच्छा है कि भोजपुरी की किसी एक फिल्म में वो पागल लड़की का किरदार निभाएं। आपको बता दें कि ये बात रानी ने उस वक्त कही थी जब वो फिल्म शिव रक्षक की शूटिंग कर रही थी। शूटिंग खत्म होने के बाद रानी ने कहा था कि अभी तक वो फिल्में कई रोल कर चुकी हैं, लेकिन एक पागल लड़की का किरदार उन्होंने कभी नहीं निभाया है। तो सुना आपने कि रानी चटर्जी अब इस तरह के रोल करने के लिए भी काफी एक्साइटमेंट है। बताते चले कि रानी जल्द ही रानी की हुकूमत, कांच की चूड़िया जैसी फिल्मों में हॉट लुक में नजर आने वाली है। नेक्स्ट 9 न्यूज रूम से राहुल की रिपोर्ट। सब्सक्राइब नाउ टू रिसीव न्यू अपडेट्स, रिव्यूज एंड न्यूज़।